बुंदेलखंड में लंबे समय से चली आ रही बुंदेली मोनिया नृत्य की परंपरा को आज भी लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस नृत्य के अभ्यास के लिए लोग महीनों से इसकी तैयारी करते हैं और दीपावली के बाद इस नृत्य का जगह जगह प्रदर्शन दिखाते हैं। इस नृत्य में लोगों की एक मंडली होती है जिसमें काफी लोग भाग लेते हैं। ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ लाठी डंडों को घुमाकर एक दूसरे के साथ यह खेल खेला जाता है। साथ ही देसी दीवारी का गायन भी सुनाया जाता है। इसमें कलाकार तरह तरह की वेशभूषा बनाकर नृत्य दिखाते हैं। इस नृत्य को देखने का एक अलग ही अंदाज रहता है। इसको दिखाने के लिए कलाकारों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कस्बा में जगह जगह यह कार्यक्रम दिखाई दिया। इसके साथ ही इस नृत्य को देखने के लिए काफी संख्या में लोग दिखाई दिए। बुंदेलखंड में विभिन्न पारंपरिक नृत्यों की परंपरा विद्यमान है। सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन के दौर में बुंदेली भूभाग में लोक नृत्य अब विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। जैसे कि मोनिया नृत्य संपूर्ण बुंदेलखंड में देखने को मिलता था, लेकिन अब कहीं कहीं देखने को मिलता है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो सिर्फ अतीत का इतिहास बनकर रह जाएगा। बाबा